हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब ब्लॉग चैनल में। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और हमारे घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। घर की साफ़ सफाई, पोछा लगाना और बहुत सारे कपड़े भी गंदे पड़े हुए हैं। तो चलो मैं कपड़े धोकर दिखाती हूँ। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो रक्षाबंधन आने वाला है और हमारे जितने भी सारे कपड़े थे सब गंदे पड़े हुए हैं। तो हम लोग रक्षाबंधन के दिन अच्छे धो के पहनते हैं दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग आज इसे धोने वाले हैं और आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाएंगे और हम लोग किसी तरह से धोते हैं दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग चलो ट्यूबवेल के पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे धोते हैं। तो हम लोग तो फिलहाल दोस्तों बाहर तरफ आ चुके हैं और हमारा साड़ी पहले से भी भीगा हुआ था दोस्तों, क्योंकि पानी गिर रहा था और इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और हम लोग ट्यूबवेल के पास चलते हैं और हमारे जितने भी सारे कपड़े गंदे थे दोस्तों उसी को हम लोग को अभी धोना है दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग निरमा ले आते हैं और निरमा लेने के बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ढमेला में पानी रख देते हैं और उसी में हम लोग निरमा दे देते हैं और थोड़ा सा जो भी जितना ही कपड़ा है सबको इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो इतना में तो नहीं आने वाला है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग गंजी ला लेंगे दोस्तों, इतना में तो नहीं आने वाला है। तो फिलहाल हम लोग अभी गंजी लेने के लिए जाएंगे और इसे थोड़ा जितने भी सारे कपड़े थे सबको इसी में डाल देते हैं और थोड़ा सा 5 मिनट रहने देंगे इसमें। और एक आध पीस कपड़ा बचा है दोस्तों उसी को भी डाल देते हैं इसमें। अब दोस्तों हम लोग डालने के बाद तो बाकी तो काम ख़त्म हो चुका है फिलहाल। तो हम लोग इतने में तो हमारा कपड़ा नहीं आएगा, तो फिलहाल हम लोग बड़ा सा थोड़ा सा अब गंजी ले आते हैं और उसी में ही हम लोग डाल लेंगे जितने भी सारे कपड़े को। तो थोड़ा सा घर तरफ जाते हैं और ले आते हैं। अब दोस्तों हम लोग गंजी ले आए और थोड़ा सा पानी भी चालू कर लेते हैं। अब हम एक एक करके एक एक पीस करके हम लोग अच्छी तरह से काँचना शुरू करते हैं। जितना सारा है उसी को थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये देखिए दोस्तों जितना भी गंदा है वो कपड़ा में निकल रहा है, जितना सारा सब इसी तरह से सब निकलने का सब जाएगा दोस्तों पानी में। तो हम लोग अच्छी तरह से फटाफट धो लेते हैं और आप लोग को बाकी का ब्लॉग दिखाते हैं। तो लगभग तो हमें इसी में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों और हम लोग जितने भी कपड़े हैं दोस्तों अब हम लोग पानी में डालते जाएंगे, एक एक करके डालते जाएंगे दोस्तों हम लोग। ये देखिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से धो लेते हैं और फिर हम लोग अब पानी भी गिर रहा था दोस्तों उसी टाइम, तो हम लोग अच्छी तरह से इसे सुखा भी लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल रक्षाबंधन आने वाला है दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग कपड़े उपड़े को अच्छी तरह से खांसते हैं और घर की साफ़ सफाई भी करते हैं। तो आप लोग को दिखाएंगे कि घर की साफ़ सफाई भी हम लोग करने वाले हैं और फिलहाल हम लोग रक्षाबंधन का भी आप लोग को ब्लॉग दिखाएंगे कि इसमें हम लोग रक्षाबंधन के दिन अच्छा खासा मिठाई भी बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग को इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को दिखाएँगे दोस्तों। तो ये दोस्तों पेंट है, तो पेंट बहुत दिन से पड़ा हुआ था घर में, तो इसी को अच्छी तरह से धो लेते हैं। जितने भी सारे कपड़े थे सबको हम लोग धोते हैं दोस्तों। अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है फिलहाल, तो आप लोग को दिखाते हैं और भी हम लोग क्या क्या धोने वाले हैं। तो फिलहाल ये देखिए छोटा सा कपड़ा बचा हुआ है, उसको भी अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से दिखाते हैं दोस्तों कि जितने भी सारे कपड़े सब पानी में हम लोग डाल चुके हैं और उसे थोड़ा सा अच्छी तरह से अब हम लोग को अच्छा पानी चाहिए दोस्तों, तो अच्छा पानी में हम लोग धोने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम लोग ट्यूबवेल से पानी भर चुके हैं और अच्छा पानी में आप धो लेते हैं जितने भी सारे कपड़े हैं उसे अच्छा पानी में आप धो लेते हैं और ये लास्ट टाइम है हमारा धोने का। तो बाकी जितना भी कपड़ा है दोस्तों हम लोग को सब अच्छी तरह से धोना है, एक एक करके धो लेते हैं। बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए थे दोस्तों, बहुत दिन से पड़े हुए थे, तो हम लोग त्यौहार के टाइम में इसे अच्छी तरह से धोते हैं। ये शर्ट है दोस्तों और फिलहाल ये तो पेटीकोट है,
तो इस पेटीकोट को भी अच्छी तरह से धो लेते हैं हम लोग। और ये अपना टी शर्ट है दोस्तों, उसे भी अच्छी तरह से धो लेते हैं। अब बहुत दिन से ये पड़ा हुआ था। और ये बच्ची का शर्ट है, ये देखिए। बाकी तो एक पीस बचा है दोस्तों, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग धो लेते हैं। अब हमारा धोने का काम तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और अब हम इसे सुखाने जाएंगे दोस्तों। अब जितने भी कपड़ा है हम लोग अब ठमेला में पकड़ लेते हैं, और उसके बाद ही हम लोग अपने आंगन में चले जाते हैं और अच्छी तरह से इसे हम लोग सुखाएंगे दोस्तों। तो आप लोग देखिए कि हम लोग किस में सुखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शर्ट को सुखा लेते हैं, और उसके बाद ही हम लोग पैंट को सुखा लेते हैं। अब जितने भी सारे कपड़े हैं हम लोग अच्छी तरह से इसे सुखा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जितने भी सारे कपड़े हैं उसे अच्छी तरह से हम लोग सुखा लेते हैं। और थोड़ा सा बचा है दोस्तों, उसे भी अच्छी तरह से हम लोग सुखा लेते हैं। बहुत सारा कपड़ा था दोस्तों बचा हुआ था, तो उसी को हम लोग अच्छी तरह से धोए हैं और उसे अच्छी तरह से हम लोग सुखा लेते हैं। और पानी भी उसी टाइम गिर रहा था दोस्तों, फिर भी हम लोग इसे धोए हैं। तो एक पीस बचा है दोस्तों, उसे भी हम लोग कहीं पर सुखा लेते हैं, फिर अपना काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब तो हमारे पास कपड़ा उपड़ा तो बचा नहीं है। अब जितने सारे कपड़े थे सबको हम लोग धो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए। तो अब हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दोस्तों, बाय बाय।